नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से। ये है हमारा चैप्टर नंबर 19 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र। ठीक है, चैप्टर 1 to 18 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड क्वालिटी बाय लक्ष्मीकांत वी हैव कवर्ड चैप्टर वाइज, और उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सेम इज विद शंकर आईएएस के जो एनवायरमेंट के रिविजन सीरीज है चैप्टर वाइज, वो भी हमने कवर कर ली है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। So about me, my name is Dr. Amit. I have given 5 times UPSC mains and 3 UPSC interviews, and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है चैप्टर ईयर ऑफ स्टैग्नेशन, जब थोड़ा सा आपके मूवमेंट्स नहीं चल रहे थे, नॉन कोऑपरेशन से लेके सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के बीच में जो स्टैग्नेंट सा पीरियड चल रहा था, इस दौरान क्या हुआ तो ये हम देखते हैं। देखिए, एनसीएम विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने, जो इनकी गलती मानते थे, बट गलती नहीं थी। He was arrested for 6 years. Result क्या रहा? Disintegration, disorganization and demoralization. तो यहाँ पे हमारे सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी, ये दो लीडर्स थे, इन्होंने कहा कि काउंसिल में घुसो, एडवाइस टू रैक विद इन, कॉल दिस प्रोग्राम आइदर मैंड और एंड, काउंसिल्स में घुसो और उनको मैंड करो या एंड करो। एंड बट इन्होंने वोटिंग करवाई तो इनका जो प्लान है वो डिफीट कर दिया गया बाय 748 वोट्स टू 890 वोट्स। तो ये दोनों दुखी हो गए एंड दे रिजाइंड ऑन 1 जनवरी 1923, और इन्होंने अपनी पार्टी बना ली कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल सीधा सीधा पहले भी आ चुका है, कांग्रेस खिलाफत एंड स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी जिसके सी आर दास प्रेसिडेंट थे और हमारे मोतीलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके ग्रुप्स आ रहे हैं, प्रो चेंजर्स जो चेंज चाह रहे थे एंड नो चेंजर्स जो नहीं चाहते थे। तो हमारे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू में प्रो चेंजर्स, दे वांटेड टू एंटर द काउंसिल एंड चेंज, ये कह रहे थे कि नहीं मत रहो, बॉयकॉट द काउंसिल। काउंसिल, ये प्रो चेंजर्स हमारे कहते हैं, काउंसिल टू बी रैक्ट फ्रॉम विद इन बाय क्रिएटिंग डेडलॉक्स, दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म लेजिस्लेचर इनटू द एरिना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, यहीं से करो अपना स्ट्रगल, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। जबकि जो नो चेंजर्स थे वो कहते थे कि अगर पार्लियामेंट्री वर्क में घुस गए तो कंस्ट्रक्टिव जो वर्क है वो आपका कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा, मतलब वहां पे बैकलैग करेगा। तो द फियर ऑफ स्प्लिट, जैसे कि 1907 में हमारे कांग्रेस में दो ग्रुप्स बने थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, तो वहीं यहाँ पे दोबारा से आ रहा था। तो दोनों ग्रुप्स ने इसको भापा एंड दे बिगिन टू पुल बैक, दे मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल अकोमोडेशन, एंड लास्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया गांधी जी की लीडरशिप को। गांधी जी ने शुरू में तो मना किया था, फिर वो बाद में प्रो चेंजर्स की तरफ इंक्लाइन होकर उन्होंने सपोर्ट किया, चलो ठीक है तुम लड़ लो, देख लो, ज्यादा मत करना बट थोड़ा थोड़ा कर लो, तो ऐसा गांधी जी ने बोला। तो उन्होंने उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल में हेल्प किया, नई स्पिरिट यहाँ पे हमारी इंडियन लेजिस्लेचर में आने लग गई। गवर्नमेंट वॉन्टेड टू सप्रेस द स्वराजिस्ट ऑन द नेम ऑफ सिविल लिबर्टीज, बट गांधी जी ने यहाँ पे स्वराजिस्ट को सपोर्ट किया। ठीक है, फिर हमारे आते हैं इलेक्शंस, 1923 के इलेक्शंस। यहाँ पे अच्छी चीज क्या रही, हम 42 में से 101 सीट जीते, जिनमें से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्लियर मेजोरिटी इन सेंट्रल प्रोविंस एंड बंगाल प्रोविंस, जबकि पंजाब और मद्रास में कम्युनल और कास्ट वाले एंगल की वजह से बैड रिजल्ट रहे। तो यहाँ पे दो जगह क्लियर मेजोरिटी, बंगाल एंड सेंट्रल प्रोविंस। स्वराजिस्ट ने 3 इश्यूज पे बहुत काम किया, सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड इंडस्ट्रीज, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, तो इसकी वजह से काफी काम हुए, बहुत प्रोग्रेस भी हुई। लाला लाजपत राय हमारे बोलते हैं कि नो प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड विदाउट रिवोल्यूशन, द रिवोल्यूशन आपको चाहिए ही चाहिए। साइमल्टेनियसली कांग्रेस ने क्या किया, कैप्चर कर लिया जो लोकल बॉडी के आपके इलेक्शंस होते थे, एंड दे डिड एक्सेलेंट वर्क इन एवरी फील्ड, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, खाली, सब जगह। फिर दुर्भाग्य क्या रहा कि हमारे सी आर दास जी थे वो मर गए 1925 में, उनकी डेथ हो गई, और गवर्नमेंट ने एनकरेज किया कम्युनलिज्म को भी। तो ये दोनों इवेंट चल रहे थे, डेथ ऑफ सी आर दास जी एंड गवर्नमेंट एनकरेजिंग कम्युनलिज्म। सो यहाँ पे स्वराजिस्ट जो हमारे थे उनको ब्रांड किया गया बोथ एज एंटी हिंदू एज वेल एज एंटी मुस्लिम। एंड इन 1928 स्वराजिस्ट जो थे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल करी थी, ये याद रखना, जो पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिल गवर्नमेंट लेके आ रही थी, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पे इन्होंने डिफीट किया गवर्नमेंट को। अचीवमेंट जो थी इनकी क्या रही, फर्स्ट दे फिल्ड द पॉलिटिकल वॉयड, कि भाई आप वहां पे कोई पॉलिटिकल एरिना में जाके लड़ ही नहीं रहा है, तो इन्होंने वहां पे वो जाके वॉयड को कंप्लीट किया, और 1920 से 30 के बीच में कुछ ना कुछ काम करते रहे, पैरेलल चलता रहा। दे शोड
कैसे आप लेजिस्लेचर को यूज कर सकते हो, तो इन क्रिएटिव मैनर कैसे यूज किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव वर्क तब भी चल रहा था, डेवलपमेंट चल रही थी और बॉन्ड बढ़ा बिटवीन द मासेस एंड इट रिवाइव्ड द होप कि हाँ भाई कुछ किया जा सकता है। एंड दे वर द मेजर चैनल, जो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है यहीं से तो लोग जुड़ते हैं, एंड इट इज द मेजर चैनल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रीडम सोल्जर्स एंड देयर पॉलिटिकल ट्रेनिंग। एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ा एज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज सत्याग्रही, दोनों ही आने लग गए, लड़ने वाले भी और ऑर्गेनाइज करने वाले भी। फिर साइमन गो बैक में भी 1927 में इन्होंने बहुत पार्टिसिपेशन किया। तो ये हमारा था चैप्टर ऑन आपका स्टैग्नेशन के जो हमारे साल थे वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे हमारे भगत सिंह, सूर्य सेन का जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट के, ये जो दो ग्रुप थे इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, कौन कौन सी जर्नल्स थी ये सब हम देखेंगे। एंड वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। एंड सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।